हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे चैनल पीके के जुगाड़ में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं अपने चैनल पर। और दोस्तों, ये वीडियो कुछ खास होने वाली है, आपके लिए बहुत ही मजेदार वीडियो है। कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से कुछ लड़कियां और उनकी माताजी आईफोन 7 का अनबॉक्सिंग करते हैं, और अनबॉक्सिंग होने के बाद जब आईफोन को खोलते हैं, उसके डब्बे को खोलते हैं, तो उसके अंदर जो निकलता है ना, वो देखकर आप हक्के बक्के हो जाएंगे। दोस्तों, वो क्या निकलता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और आप मुझे ये बताएगा कि वो एक्चुअल में फेक वीडियो है या रियल वीडियो है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों, बता दूं थोड़ा गहराई से कि वो आईफोन amazon.com से मंगाया जाता है। मंगाने के बाद उसका अनबॉक्सिंग करते हैं कुछ लड़कियां उनकी माताजी, और जब वो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, डब्बा खोल लेते हैं, तो उसमें जो जो भी निकलता है उसे देखने के बाद सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वो फ़ोन इतना महंगा है, 40,000 के लगभग फ़ोन है आईफोन 7, और उसके बदले कुछ निकलते हैं 10-20 रुपये का कुछ अलग आइटम, तो वो देख कर थोड़ा हैरानी तो होगी ही दोस्तों। तो देखते हैं वो कैसी वीडियो है, और इस वीडियो में आपको सच में मजा आ जाएगा। और प्लीज मुझे ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो जेन्युइन है या फिर यार नकली है, फेक है या असली है, बताइएगा जरूर कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो देख लीजिएगा इस वीडियो को पूरी, फिर बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये फेक है या रियल है, अपनी अपनी थोड़ा मतलब बात रखेंगे। देखिए वीडियो को जरा सब्सक्राइब करें पीके के जुगाड़ को, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए इस घंटे पर उंगली कर दें। हाँ भाई, बिल तो रखना पड़ता है ना, तो बिल के हिस्से को हटा दे, काट दे इसको, ये ऐसे अभी दोनों का ऐसे खोलना, ऐसे यस, फोन की जगह टेडी बियर ले लिया, मैं खोल के देखना पड़ेगा भाई। हाँ, चेक किया था अमेजोन फुलफिल्ड बाय अमेजोन का। हाँ, ये तो आप दांत से कर लेना, चाकू दे, चाकू हो गया, हो गया। हाँ निकाल, निकल नहीं रहा कुछ है, चुपका बोल क्या नाखून घुमा कर देखो, कहीं नहीं होगा। हाँ थोड़ा घुमा ना बता, अरे यार मैं खोलूँ, ले ले चाकू, ले घुमा चाकू सारे में, ये पकड़ मैं करूँ आराम से, नहीं है टेप कुछ, डब्बा भी खराब हो गया, डब्बा कौन सा करना, डब्बा कहाँ था वापस, हाँ हाँ अब पकड़ लो ना, अब पकड़ लो ऐसे ऐसे करके, ऐसे खोलो, उल्टा उल्टा है, हाँ चिपका हुआ है ना, डब्बे को कैसे कर रहे हैं, इतने क्या अंदर छुपा रखा है, हाँ हाँ थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, हाँ टेप लगी हुई है देख, हाँ बहुत तरीके साउंड की टिकिया, ओह माय गॉड, फक मैं पिछली बार का वीडियो बनवा लिया क्या, देख लिया क्या, फक मेरा फोन लाइव था ना, फक कोई ने मेरा फोन ला, amazon.in से किया था, चेक कर मेरा लगा तूने फुलफिट बाय amazon से किया। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ा बहुत मज़ा भी आया होगा लड़कियों का कुछ इस तरह से एक्टिविटी देखकर, उनकी माता का एक्टिविटी देखकर, और आपको थोड़ी बहुत हैरानगी भी हुई होगी, पैनिक भी आप हुए होंगे
ये देखकर कि यार अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी इस तरह का फ्रॉड कर सकती है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये वीडियो एक्चुअली में जेन्युइन है या फिर फेक है ना? तो अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कैसी लगी, तो मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो मुझे फेक लगी। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यार एक बात बताइएगा, किसी फ़ोन की पैकिंग इतनी धांसु हो सकती है क्या, जिसमें सभी लड़कियों ने ट्राई कर लिया, उसमें चाकू घुसेड़ लिया, कैंची घुसेड़ लिया, लेकिन यार डब्बा खुलने का नाम ही नहीं लेता। आखिरकार उसकी मॉम ने उसमें चाकू देकर चारों तरफ से उस डब्बे को खोला, और डब्बा खोलने के बाद क्या निकलता है, 10 रुपये की साबुन की टिकिया। यार बिल्कुल हद हो गई यार, ऐसा कोई ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। यार 40,000 रुपये का फ़ोन है, उसके बदले कंपनी या कोई भी कंपनी 10 रुपये की साबुन की टिकिया ही रखेगी? वो साबुन की टिकिया उन्होंने अलग से खरीद कर इसमें रखी है क्या 10 रुपये की? ये भी तो सोचो, है ना यार, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में कुछ उस पर हंसी भी आती है कि यार उनकी मामा बैठी है सामने, फ़ोन को अनबॉक्स कर रही हैं और लड़कियाँ गाली बक रही हैं, फक फक फक, हद हो गई यार। कोई अपने मामा पापा के सामने गाली देता है क्या? उनकी उसकी दीदी बोल रही है लड़की की कि मेरा फ़ोन लेगा, और बदले में क्या जवाब आता है, फक। दीदी बोलती है कोई नहीं, फिर बोलती है फक, हद होगी यार। ऐसा कोई ना होता है भाई, ये पूरा प्लान वीडियो है, ये प्लानिंग के साथ वीडियो बनाया गया है। और दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी किसी भी कंपनी से शॉपिंग करते हैं तो कृपया करके संभल कर करें, सोच विचार कर करें। और दोस्तों अगर भविष्य में ऐसी घटना आपके साथ घट जाती है, वैसे मुश्किल लगता है कि ऐसी घटना हो जाए, लेकिन फिर भी आपके लिए बता देता हूँ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी के टर्म और कंडीशन के अनुसार आप कंप्लेन कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, और जो आपको गलत ऑर्डर मिला है, प्रोडक्ट मिला है, उसे वापस करने के बाद आपको कंपनी नया प्रोडक्ट, सॉरी जो आपने प्रोडक्ट लिया है उसे आपको दे देगी। और दोस्तों आपको मुझे ये ज़रूर बताना है कि ये वीडियो जेन्युइन लगी आपको या फेक लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।